अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण को लेकर पन्ना जिले के बोरी ग्राम में बैठक और रैली के कार्यक्रम संपन्न हुए। ग्राम बोरी में जनसभा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी युवा और पदाधिकारी मौजूद थे। सभी हिंदू समाज के युवाओं ने इस कार्यक्रम में उत्साह के साथ भाग लिया। नारायण दास सेठ, सुशील सोनी, अनु साहू सहित बड़ी संख्या में नागरिक गण मौजूद थे। पन्ना से चरणजीत बंजारा की रिपोर्ट। ध्वज करना है, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की। आज जो कार्यक्रम हुआ महाराज, किसके नेतृत्व में और किस उद्देश्य से हुआ है? आज जो कार्यक्रम हुआ है वो हिंदू युवा वाहिनी, हिंदू संगठन, आरएसएस, बजरंग दल, मतलब जितने भी हिंदू समाज समुदाय के संगठन हैं या जितने भी वो हैं कार्यवन भारत हैं, उन सब के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हुआ है। और ये श्री राम राम जन्मभूमि में जहाँ श्री राम जी का भव्य मंदिर बनना है उसके निर्माण कार्य के लिए सहयोग की अपेक्षा रखते हुए ये कार्यक्रम हुआ है। किस पद पर है भैया? मैं भी खंड के प्रचारक प्रसारक के पद पर। क्या नाम लिखते हैं? अजय गौतम। आज जो कार्यक्रम हुआ महाराज, वो किसके नेतृत्व में हुआ है? देखिए, जिस पूरा संघ के नेतृत्व में हुआ है और हमारा जो हिंदू समाज है वो पूरा इकट्ठा होकर और अयोध्या राम मंदिर के उससे पूरा कार्यक्रम संपन्न। रैली और बैठक का उद्देश्य क्या था? रैली और बैठक का उद्देश्य यही है कि जो हिंदू समाज है अपना जागृत हो जाए और थोड़ा वहाँ जो राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग की बात, हाँ, उसके बारे में चर्चाएं हुई हैं। अभी आप किस पद पर हैं? अभी अपन बुधरोण मंडल पालक के पद पर। क्या नाम लिखते हैं? वंश गोपाल त्रिपाठी। अंशदान की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवान दारी। अंशदान की करो तैयारी, अंशदान की करो तैयारी। आज ये भव्य शोभा यात्रा हमारे आराध्य इस भारत देश के कण कण में विराजमान, हमारी आत्मा में, हमारे रोम रोम में विराजमान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम चंद्र भगवान की जो अयोध्या में मंदिर का निर्माण हो रहा है उसी के लिए इस भव्य शोभा यात्रा का आयोजन हुआ है। आप हेलो, सभी लोग कृपया कर दो की पक्तिवत तरीके से आइए जिससे हमारी संख्या ज्यादा दिख सके। है तो बहुत सारी संख्या लेकिन सभी लोग एक आगे और एक पीछे के चक्कर में गड़बड़ हो। मंदिर का निर्माण हो रहा है उसमें एक हमें मंदिर निर्माण में जैसे जामवंत जी ने उसमें सहयोग दिया था, एक गलहरी ने दिया था, बहुत सारे बंदरों ने दिया था, मल्लाहों ने दिया था, हमें भी जो हम कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।